फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स एंड आर्मी एम्प्लॉयज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डोंट मिक्स अप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, इसलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लेटेस्ट सेवंथ पे कमीशन अपडेट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ऑल राइट, क्योंकि सेवंथ पे कमीशन को लेकर कुछ कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका मेन रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिमांडिंग टू इंक्रीज मिनिमम पे टू ₹26,000 एंड फिटमेंट फैक्टर 3.68 टाइम्स फ्रॉम 2.57 टाइम्स। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है श्रम मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2018 से महंगाई भत्ते पर लगी मुहर। बड़ी खुशखबरी सभी केंद्रीय कर्मियों, पेंशनभोगियों और सैनिकों के लिए। आप देख सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रेस जारी किया है CPI IW फॉर मई 2018 ऑन 29 जून को, और इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में केवल एक पॉइंट का ही इंक्रीज हुआ है। आई मीन CPI IW फॉर मई 2018 इंक्रीज बाई 1 पॉइंट एंड पेग्ड एट 289। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि अब आपको जुलाई 2018 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। नाउ इट्स कन्फर्म्ड डीए फ्रॉम जुलाई 2018 9% फॉर 10 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग 5.2 मिलियन पेंशनर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि लास्ट ईयर से ओनली 2% ही इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड आपका अरियर्स भी इसी के बेस पे मिलेगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं मंथ जून में CPIW पॉइंट्स में का जो 289 इंक्रीज हुआ है जो जून मंथ में, और डीए परसेंटेज मंथली इंक्रीज कितना हुआ 9.79। आप भी अपना डीए कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।